टू माई चैनल ड्रीम्स लाइफ। आज हम जानेंगे एक बहुत ही अच्छे गैजेट के बारे में जो प्लांट लवर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, कंप्लेन होता है कि भाई हम इंडोर प्लांट्स रखते हैं लेकिन उन्हें हम मेंटेन नहीं कर पाते, पता नहीं कैसे। तो फिर उसका सोल्यूशन मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। जब भी आपको इंडोर प्लांट्स लगाना है तो आपको आपके पास ऐसे थोड़े बहुत गैजेट्स होना बहुत ही कंपल्सरी है। ओके, विदाउट दिस यू कैन नॉट मेंटेन अ हेल्दी प्लांट। ओके, तो आज हम देख लेते हैं क्या है ये। वाटर स्प्रेयर है ये फ्रेंड्स, मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में और आप लोग चेकआउट कर लीजिए। ये कोई कॉस्टली भी नहीं आता है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये मुझे पड़ा था कुछ 300 के अंदर अंदर ही मुझे ये मिला था वाटर स्प्रेयर। जैसे आप देखिए ऐसे, जैसे नॉर्मल चाइना बाजार में वैसे मिलते हैं ना, ऐसे पंप मारने वाले, उससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, वो हमारा हाथ थक भी जाता है, हम सारे प्लांट्स को ना वाटर नहीं कर पाते, स्प्रे नहीं कर पाते। तो कई बार होता है ना फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट्स को आपको डेली डेली वाटर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, और डस्ट, जैसे हम लोग अपना घर का साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, ऐसे ही उन लोगों को भी हर रोज स्प्रे करना, मतलब नहलाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ही काम आता है फ्रेंड्स, मतलब ये बहुत हैंडी है, बहुत ईजी टू यूज है और इसमें कोई तामझाम भी नहीं है। अभी हम पता करते हैं इसके बारे में। ये नॉर्मल सा पैकेजिंग में आया था फ्रेंड्स, इसमें कोई बॉक्स वॉक्स जैसे पैकेजिंग में नहीं आया था, ये आराम से कुछ पॉलिथिन कवर जैसे पैकिंग में आया था। तो इसमें ना फ्रेंड्स ये 1.5 लीटर कैपेसिटी का है। ओके, सो ये कई कलर्स में आते हैं, कई तो ऐसे ओपेक भी आते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, जैसे हम पानी इसमें भरते तो हमें पता चलता कितना है कितना नहीं। तो इसका कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसमें आपको पानी भरना है और पंप को आपने जैसे ऐसे ऊपर नीचे पंप करेंगे ना फ्रेंड्स, थोड़ी देर, थोड़ा एक 5-10 मिनट जैसे अगर भर के है तो थोड़ी देर में ये टाइट हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रेशर भर गया है और ज्यादा नहीं आपको करना है। जैसे आपको लगता है ऐसे ऊपर नीचे आप कर पा रहे, एक पॉइंट पे आपको ना ऐसे नहीं जाएगा नीचे, तब आप समझ लीजिए कि प्रेशर इज इनफ। तब आपको ना फ्रेंड्स ये नोजल है, इसमें से ऐसे ऐसे दबाने के लिए एक लीवर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये पंप है, ये ऐसे ऐसे प्रेस करने वाला है। कई कई दूसरे उसमें, अब मेरे पास तो नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे लॉक भी करने का सिस्टम रहता है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। आप अपने थंब से ऐसे दबा के रखना है तो वाटर रिलीज होता है। यहाँ पे छोटा सा नोजल दिया हुआ है फ्रेंड्स वहां पे, तो उसमें एक छोटा सा होल है, उसमें से आपको एडजस्ट कर सकते हैं। आप जैसे जैसे घुमाते रहेंगे, आपको जेट जैसा चाहिए, स्प्रे जैसा चाहिए और हल्का हल्का स्प्रे जैसा और फोर्स, ये सब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको डेमो दिखा दूंगी अभी। तो ये फायदा इसका किस लिए है फ्रेंड्स, सिर्फ उनको पौधों को पानी नहीं लाने के लिए नहीं। आप कई बार होता है कि ऊपर ऊपर के ये पेस्ट वगैरह ना, वो वहां पे जमा होने का डर रहता है, कई बार मिली बग्स हो गए या कुछ कुछ चींटियां हो गए, ना वो ना टिप्स पे जाके वो जमा होके पौधे को खराब करते रहता है ना फ्रेंड्स। ऐसे में आपको एक फोर्स चाहिए, जैसे आप पानी स्प्रिंकल करेंगे तो वो लोग नहीं सुनते, वो ना नहीं जाते। ठीक है, तो उस टाइम में आपको यहाँ इसमें पेस्टिसाइड्स भी कुछ है तो ऐसे डाल सकते हैं, नहीं तो कई बार फर्टिलाइजर्स लिक्विड फर्टिलाइजर्स भी आपको छिड़कना पड़ता है प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए और नीट एंड क्लीन रखने के लिए। तो ऐसे कई कामों के लिए ये वाटर स्प्रे घर पे होना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स मेंटेनेंस के लिए। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो ये बहुत ही यूजफुल गैजेट है फ्रेंड्स, एवरीबडी शुड हैव, हूएवर इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग हाउस प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, उनके लिए तो बहुत ही ये यूजफुल गैजेट है। तो चलिए आप डेमो देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, इसको मैंने खोल दिया, इसमें कुछ तामझाम नहीं है, शायद एक व्हाइट कलर का पंप है, शायद उसमें कुछ स्प्रिंग प्रेशर भरता होगा। ये छोटा सा एक स्ट्रॉ जैसा छोटा सा पाइप है जो अंदर से पानी बाहर निकालने में मदद करेगा। देखिए इसको ऐसे फिक्स कर देना है, हमने थ्रेड सिस्टम है तो इसको बंद कर दिया। तो चलिए हम लोग, सॉरी फ्रेंड्स मैंने वीडियो में बोला था काफी देर तक नहीं,
जस्ट 5 to 10 टाइम्स आप करेंगे ना फ्रेंड्स, तो देखिए ऐसे करके अब नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है ये भर गया। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको, आप देख पा रहे हैं, देखिए स्प्रे ना ऐसे से करके आप पूरा मतलब आराम से इसके इन पौधों में ना फ्रेंड्स ऐसे पानी दे सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप बंद जोर से ऐसे थोड़ा सा ये करेंगे तो देखिए एकदम एकदम ऐसे आ रहा है जैसे जेट जैसा, आपको दिखाई पड़ रहा है, दिखाऊंगा देखिए एकदम जेट जैसा आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं फर्टिलाइजर्स डालना है किसी एक जगह पे आपको फोकस करके उसके पास डालना है तो आप ये जेट वाला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नॉजल घुमा देंगे तो एकदम से ना फ्रेंड्स अच्छे से ये देखिए जैसे ऐसे पौधों में भी ना अच्छे से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, पानी हिला सकते हैं ऐसे करके। देखिए अभी तो नीचे पूरा गीला हुआ है, यूजुअली आप ऐसे सिंक के पास ले जाके आप ना ऐसे स्प्रे कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको आई डोंट थिंक आई एम एबल टू शो इट प्रॉपरली बट आराम से होता है। देखिए अगर आप देख रहे हैं ऐसे जेट जैसा होता है, और जैसे आप सोचते हैं ना फ्रेंड्स कि आपका प्रेशर कम हो गया तो ये नहीं दिखेगा। देखिए अगर फिर से आपने थोड़ी देर ऐसे कर दिया ना, प्रेशर भर गया तो यू कैन सी द प्रेशर ऐसे आएगा। अगर आपने बंद किया जेट को थोड़ा सा तो देखिए ये थोड़ा फोर्स से आ रहा है ना, थोड़ा फोर्स से आ रहा है जेट जैसा एक एक स्पॉट पे करने के लिए। अगर आप ऐसे थोड़ा सा इसको घुमा देंगे तो उसका आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा और घुमा देंगे तो अच्छे से ऐसे स्प्रे जैसा आएगा। ठीक है, तो मैं आई एम नॉट एबल टू शो प्रॉपरली बट ये काम बहुत अच्छे से करता है फ्रेंड्स। जैसे आपके जितने भी हाउस प्लांट्स हैं आप अच्छे से इन लोगों को पानी हिला सकते हैं, मैं तो हर रोज करती हूँ ऐसे ही। और अगर आपको लगता है कि घर में नीचे थोड़ा सा पानी तो गिरेगा तो मैं मैट डाल दूंगी, या समर्स में तो वैसे ही सूख जाता है फ्रेंड्स, नॉट एन इश्यू। तो अगर आपको ऐसे छोटे छोटे पौधों को अगर आप उठा सकते हैं तो वहां पे ले जाके देखिए कितने फ्रेश है। मैंने आई थिंक एक साल से भी ज्यादा हो गया इसको लाके ना, आइकिया से लाया था, छोटा सा पौधा था, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन इट ऑलवेज लुक्स वेरी फ्रेश एंड हैप्पी। ठीक है, तो इसकी वजह से तो आप भी इसको लाइए, इट्स अ रियली यूजफुल गैजेट। फ्रेंड्स आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसे उसको पानी दे रही हूँ, पीछे का वो जो दीवार है गीला होगा, तो नॉट टू वरी, मैं अभी बताती हूँ मैंने क्या किया। देखिए मैंने अपने सोफे के पास साइड में रखा है इसको, ये जो ये है एक मेरा छोटा सा एक्वेरियम था, फिश एक्वेरियम था, छोटा सा बेटा फिश के लिए लाया था, अभी यूज नहीं हो रहा तो मैंने सोचा कि उसमें थोड़ा सा पानी या व्हाट यू से कोकोपीट डाल के ना फ्रेंड्स मैंने मनी प्लांट लगा दिया और एक स्टैंड के ऊपर रखा, तो मुझे साफ सफाई करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने ना फ्रेंड्स इसको कैसे ऊपर चढ़ाया, देखिए पीछे की तरफ मैंने एक ये थ्रेड्स के साथ ना एक नेट सा बनाया, तो उसके पीछे यू कैन सी मैंने पॉलिथिन रखा, क्लियर पॉलिथिन है, सो तो दीवार पे पानी बिल्कुल नहीं गिरता है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये जो रस्सियां मैंने ना जो बनाते हैं उसको ऐसे से नॉट्स करके ना उसको सहारे के लिए रख दिया, और उसको बड़े बड़े जब नीचे प्लांट्स से बड़े बड़े लंबे लंबे लड़ियां ला के ना फ्रेंड्स मैं उसमें बांध के रखती हूँ तो दे लुक वेरी फ्रेश। ठीक है, तो इसी तरह मैं हर रोज, अब इनको सारा दिन मैं अंदर बाहर तो नहीं कर सकती इसलिए उसके पीछे पॉलिथिन लगा के ऐसे वाटर करके एकदम फ्रेश रखती हूँ। सो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो इस गैजेट के बारे में, आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगले वीडियो में ऐसे मिलने तक स्टे फिट स्टे हेल्दी हैप्पी गार्डनिंग। ओके बाय बाय।